हम लोग आएंगे जरूर, इंशाल्लाह इंशाल्लाह जरूर मिलेंगे। ये बिल्कुल यहाँ से फॉलो क्यों नहीं हो रहा भाई, यहाँ से फॉलो लाइव क्यों के नहीं हो टाइम रहा? में नहीं होता मुझे बोलनु माला का बोलनु आउ देना नेपाली बड़ा लाइव बैठने से वो फॉलो नहीं होता कभी कभी हाँ, ऐसा यहाँ होता से है। नहीं हो रहा ना, यहाँ से नहीं हो रहा। अम्मी जी दुआ कीजिए इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आप लोग आपस में लड़ाई मत किया करो, या हो रहा है या हो रहा है या इतना दिमाग खाता है तो क्या है? करना है, कितना बैठना है चुपचाप के, कभी कभी तो बोलना चाहिए ना। आप दो लोग फॉलो हो गए ठीक है। हमेशा चुप बैठने से अच्छा नहीं होता ना, कभी लेकिन कभी बोलना जब आप जैसे जैसे बी है उसकी ब्रॉड पे जाओ, जो उसको ऐसे ऐसे बुरा भला कहेगा उसको ब्लॉक कर देगी फिर। हम तो नहीं जाता है, हम एकदम तो गंदा नहीं हरकत करके बैठा हुआ सब जगह बस से पुनः जानो तो बी को ब्रोड पर सबले ब्लॉक कर दो मिलाई तो साले चूर हाँ, मिलाई तो लोग जाते क्यों हैं उसकी ब्रोड पे, मुझे ये नहीं समझ आती ना। साले यहाँ घूमी घूमी इसका काम धंधा नहीं है, जो बदमाश लोग से जाएगा ना। अम्मी जी दीदी दीदी एकछिन है म मम्मीसँग कुरा गर्छु ल। बोला ना बोला बोला। ऐसा होता है उधर जाने वाला लोग है ना, जो इधर से वो जो सुरेश दाई को और इलिया जी को हेड करता है ना, वो आदमी उधर जाके बोलता है ठीक है। नहीं वो ही फिर वापस भी आए हुए होते हैं, वो वापस भी आए हुए होते हैं। और वही आदमी इधर भी आके इधर भी ऐसे ही बात करते है, दाल में भी ठीक बात में भी ठीक होकर है ना। लेकिन हम लोग तो जानते हैं ना कौन आदमी है। यू आर राइट सिस, यू आर राइट सिस, एकदम राइट एकदम राइट राइट। फिर वही आदमी इधर भी हम ठोकेगा तो बोलेगा एकदम राइट डाउन राइट 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 बोलेगा। हाँ इसीलिए थोड़ा मन में दुख लगता है और दूसरा कुछ नहीं है। अब जो आदमी जिस आदमी को माया करता है ना, वो आदमी जो मन मोटो से माया करता है, वो आदमी का कोई आदमी बुरा बोलता है तो उसको बुरा लगता है। कोई इधर में इतना हमारा दीदी बहनी इधर सब आदमी है, इधर अच्छा बात कर रहा है, कोई आदमी आके इधर बुरा कमेंट कर देगा उन लोगों के बारे में, तो हम तो ऐसा ही करता है, हम सबको नीचे झाड़ता है, उसको बाद में उसको उसके तरीका से मैं समझा देता है। फिर मैं दूसरा कुछ नहीं कहता है। वही बात अभी हो रहा था अम्मी जी, वो आदमी जिस आदमी का नाम ले रहा था ना, वो बहुत बोल रहा है अभी, इसीलिए हमारा दीदी बहनी को दुख लगा है, वो बोल रहा है, दूसरा कुछ नहीं है। ल दीदी कुरा गर्नुस् है, थोरै भए पनि बोल्नु नि हिन्दी मा। अम्मी जी हिंदी में आओ, पहला वाला आदमी देखियो, पहला वाला जो आदमी वो भी उसका संग मिल गया अभी देखे दादा। यूट्यूब में पूरा वो हो रहा घूम रहा। अरुणी अब बोल्नु हुन्छ होला, म तल बस्दिन्छु, बस्छ बेशरम होला तिमी बेशरम लोगे। जो जाते हैं उनके पास, जो उनके पास जाते हैं वो उनसे उससे भी ज्यादा बेशरम। हाँ भाई भाई नमस्ते मम्मी जी, सलाम अलैकुम। नमस्ते नमस्ते अम्मी जी, नमस्ते नमस्ते। यार ये मेरे क्या पता नहीं आ गया ऊपर कोई बन के कुछ, मैं ना इस दोबारा आती हूँ आपके पास, दोबारा आती हूँ ठीक है, मैं दोबारा आती हूँ। यहाँ कुछ हो ही नहीं रहा, ऊपर स्टिल हो गई है मेरी स्क्रीन। ओके थैंक यू सो मच मम्मी, अभी आती हूँ। ओके नमस्ते सबैजनालाई, लसो ख्यापुल्ला नमस्ते, नमस्ते गुड मर्निङ, नमस्ते सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ, खुसी लाग्यो हाम्रो ब्रोडमा आउनु भएछ, कराको सुन्नु भएछ बिचरा। होइन यस्तो नानीहरू र भाइ बहिनी हो, त्यस्तो गाली नगर्नु। हामी अब के गर्छु भन्दाखेरि के हुनुपर्छ भन्दाखेरि, एउटा उहाँ छोरी उहाँ म छोरी नै भन्छु नानीलाई, एउटा चाहिँ उहाँले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि, अहिले उहाँ त्यस्तो बोल्नुहुन्छ युट्युबतिर मान्छेले रेकर्ड राख्छ, भविष्यमा छोराछोरी होला त्यो छोराछोरीले त्यो पापहरू भोग्नुपर्छ अरे, भोलि तिम्रो आमा यस्तो थियो तिमी कस्तो होला, तिम्रो आमाले यस्तो बोलेको थियो सोसियल मिडियामा तिमी त्यस्तै होला भन्ला, अलिकति त्यो छोरीलाई अलिक ख्याल राख्नु पर्ने हो, त्यसो जे पाइ त्यो नबोल्दिनु, किनभने रिस छ ठिक छ नि त, अब ऊ भइहाल्यो उसले चित्त बुझेन भन्ने नबोल्दिने मनमा राख्दैन, यो त सोसियल मिडिया हो नि, युट्युबतिर भनेको छ भविष्यमा भोलि छोराछोरी होला,
तेरा आमाले यस्तो बोलेको थियो नि त सोसियल मिडियामा, तिमी त्यस्तो होला नि विचार, त्यो छोराछोरीले कति गाह्रो हुन्छ गाह्रो हुन्छ। मैंने सबको फॉलो कर दिया है जो बैठे हैं यहाँ पे, सबको फॉलो कर दिया मैंने। थैंक यू अमी जी, थैंक यू। आयशा जी, वालेकुम अस्सलाम। आयशा जी 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 मलाई पनि फॉलो दिनु तपाईलाई धेरै धेरै भनौं न अब नमस्कार हैन, अब हिन्दी बोल्नु आउँदैन, धेरै माया धेरै इज्जत हैन, म त यही भन्न चाहन्छु है, अब मलाई हिन्दी बोल्नु आउँदैन, अनि एलिया अब भनौँ छोरी हो, छोरीलाई पनि धेरै माया, मेरो मनमुटुबाट हामी जति पनि यहाँ छौँ सबैको मनमुटुबाट धेरै माया, हामी धेरै नै माया गर्छौँ होइन, यो हाम्रो मनमुटुबाट कसैले पनि निकाल्न सक्दैन, त्यति धेरै माया गरेको छौँ, हाम्रो परिवार फ्यामिलीलाई भन्दा पनि धेरै माया गरेको छु सुरेश एलियालाई, सधैँ नै माया छ, तपाईँहरू कहिले पनि होइन पछाडि नजानु, एलियालाई जहिले पनि स्ट्रङ, जहिले पनि माया हामीबाट, जहिले पनि सपोर्ट छ, दुई चारजना मान्छे आएर यहाँ भोग्छ हुनेवाला केही छैन, केही हुँदैन, त्यसकै लागि कराएको म, नभए कहिले नबोल्ने मान्छे म, आज यसरी म बोलिरहेको छु क्या, एलिया र सुरेशको लागि नै हो। समझ गए अम्मी जी? हाँ, मुझे समझ आ जाती है। थोड़ा थोड़ा आता है। आफ्नो छोरीलाई भन्दा पनि धेरै माया गरेको छु। बोला अपना बेटी से ज्यादा माया करता है अलिया जी को। हाँ नहीं, मुझे पता है आप सब लोग बहुत प्यार करते हो, नो डाउट। यंगी कौन है? यंगी छोड़ दीजिए उसका, वो सब उसका नाम है, छोड़ दीजिए नाम, नाम मत लीजिए, मतलब है कौन, जिंदगी ना खेलो, एक लड़की है। अच्छा आपको पता है अम्मी जी, गंदा से भरा हुआ है, गंदगी से भरा हुआ है मुझे मुझे पता है केंजिंग दाई, नमस्ते दाई, मुझे पता है, कौन पूछ रहा है, आपको पता है? नहीं दादा छोड़ दिनु, मलाई केही फरक पर्दैन कि, त्यसले ठोको चाहे जे गरोस् म चिलमा हो, अब त्यहाँ गएर कुरा गर्छु, मेरो बात सुनो, छोक्छु आइगा जस्तै, वो जो सब त्यहाँ से बात गर्दै भन्दिन यहाँ आएर बोल्यो भने, सुनो बात, सुनो बात, सुनो एकछिन एकछिन बोल्न देऊ न हामीलाई, जो जो ऐसे बातें कर रही है तो हम सबको भी तो पता है ना, हम तो नहीं करते बात, हम सबको भी तो पता है ना उसका, हम तो नहीं करते। सही है, वो बात सही है, हमेशा सुन सुन के थक चुका हूँ, अभी तो बहुत आदमी थक चुका है सुन सुन के, अभी तो बोलना चाहिए, थोड़ा थोड़ा चुप कर जाएंगे, फोन के चुप कर जाएंगे। कभी आता है वही आदमी अच्छा बोलता है, कभी आता है वही आदमी खराब होता है, क्या क्या है दुनिया, क्या है मालूम नहीं पड़ा दुनिया, मुझे एक बात की समझ नहीं आती, भाई तुम लोगों को एक चीज अच्छी नहीं लगती तो उसको छोड़ दो, मत बोलो उसके बारे में, अपनी बात करो, आप अपना कोई टैलेंट है उसके बारे में बोलो, आप अपने ब्रॉड में अपने लिए बोलो, ठीक है, कोई अच्छी बातें करो, कोई अच्छे काम करो, अच्छा नहीं लगता है वही आदमी का नाम लेके लेके वो फेमस भी हो रहे हैं, ब्रॉड भी चलाते हैं, कहते हैं, कहते हैं, मेरी बात सुनो, कहते हैं एलिया तो कॉइंस के लिए आती है, कॉइंस के, ओ भाई तुम लोग यूट्यूब बना के तुम क्या कर रहे हो उसका नाम लेके, हैं तुम लोग अल्लाह के नाम पे चला रहे हो, हैं वहां से तुम लोगों की इनकम नहीं आती, उल्टा सीधा बोल के तुम लोग कमा रहे हो यूट्यूब पे, वो क्या है, वो पैसे नहीं आते तुम लोगों के, उसी के नाम से पैसे कमा रहे हो, उसी को बुरा कह रहे हो, शर्म नहीं आती उनको, सब के सब YouTube में डाल रहे हो, YouTube वाले को भी बोलना चाहिए, थोड़ा काम नहीं क्या करेगा उनको, क्या करे उनको, तो चाहिए ऐसा मसाला तेल, हाँ उनको तो चाहिए, वो अच्छा है भी, वो टाइटल लिखता है बुढ़ा, क्या करना है, वो अंदर जाके अच्छा होता है सुनने के लिए, अच्छा होता है बाहर वो टाइटल रखता है बुढ़ा, लेकिन मेरी बात सुनो, ऐसे कितने लोग पहले भोंक भोंक के गए हैं, कितने लोग भौंके गए हैं अपनी ब्रॉड चला के, अपने व्यूअर्स बढ़ा के, अपने फॉलोअर्स बढ़ा के गए हैं, लेकिन कितने बढ़ा लेंगे बताओ, कितना कमा लेंगे उससे, कुछ दिन कमा लेगा वो, हाँ कुछ दिन,
दफा करो, आप सब लोग अच्छी बातें किया करो, बैठ के अपने बारे में सब अच्छी बातें किया करो, ये उन लोगों का नाम भी मत लिया करो। वो लोग का नाम तो नहीं लिया, हम ऐसे बात करके बैठा था। नहीं नहीं फिर भी मतलब बातें तो उन्हीं की हो रही है ना, नाम नहीं भी ले रहे हो तो। अम्मी जी फॉलो बैक दे दीजिए मेरे को, फॉलो बैक नहीं दिया। नहीं दिया? किसको नहीं दिया मैंने? मेरे को नहीं दिया। आपको नहीं दिया? आपको देखो मैंने दिया हुआ है। अच्छा थैंक यू। चेक चेक तो करो पहले, चलता है बाबा। और लतानु न ल यहाँ फॉलो कर बच्चे ने बच्चा मम्मी जी से बोल लाएगा होला अनि हाम्रो तेन्जिङ दाई बोल्नुस् त दाई, तेन्जिङ दाई बोल्नु सरकार नमस्ते। तेन्जिङ दाई पनि बोल्नु न दाई, भाइ दाई आउनु भएको छ बोल्नु दाई, अम्मी सँग बोल्नु। दाई बिरामी भइसिन्छ होला। अल्ला पनि तान्नु न, म हामी तल बस्छौँ न, हामी तल बस्छौँ। अहिले आउँला बरु, अहिले जोइन हुँला, बोल्नु न तान्नु न। डन भाइ, दादा बिरामी भइसिन्छ होला क्या? ल हुन्छ हुन्छ दिदी, म अरू अरू तान्नु न, राम्रो राम्रो मान्छेहरूले त बोल्नु हुन्छ नि, ऊ मान्छेहरूले हामी तल बस्छौँ कि। ल ल ल हुन्छ हुन्छ, गाउँले हुन्छ, पछि आउनु त के भयो, मुनि बसेर सुन्नु। अहिले अहिले आऊ है भावनाजी, अहिले आउनु ल, म पनि तल धर्छु है त। सुशील कह रहे थे, सुशील है कहने कोई तो लड़ाई करो। ओए तुम लोगों को लड़ाई अच्छी लगती है हैं? लड़ाई करो, तुम लोग लड़ाई देखने आए हो। ओ सुशील वो भागता है, हमको लड़ाई करने को बोलता है, तो इतना ही हो ना। हाँ नीचे कह रहे मैं लड़ाई लड़ाई करो, हम लड़ाई लड़ाई करना है, आओ ऊपर आओ ऊपर आओ लड़ना है। बोलाओ नमस्ते 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 दादा। नमस्ते, सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, सब कुछ ठीक है अम्मी जी? वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है। अच्छा वही बड़ी बात है। ऐसे अलिअलि सन्चो छैन बहिनी, त्यही भएर ऐसे है। वो लोग सेलिब्रिटी है, डॉक्टर आलिया सुरेश भाई सेलिब्रिटी, ऐसे सेलिब्रिटी लोग का बुरा कहना अच्छा कहना बहुत सा आदमी लोग होता है, इसमें ज़्यादा ध्यान देना नहीं चाहिए। वो कहता है कहते कहते थक जाएगा, फिर बाद में अपने रास्ता चला जाएगा। सो हाँ, इसमें उनको कोई, उनको और कोई बात नहीं मिलती, उनके पास अपनी कोई बात है नहीं। हाँ उसका भी वो ऐसे है कि ऐसे मम्मी जी वो भी थोड़ा दिन आके ऐसे ऐसे बुरा बोल के अच्छा बोल के इंटरटेन करता है, इंटरटेनमेंट लेता है, वो क्या बोलता है उसको समय को सदुपयोग कर रहा है, वो करेगा जाएगा फिनिश। सो इसमें हम लोग उसके पीछे जाना नहीं चाहिए, वो जो करे वो करे, हम लोग अच्छा करे उसी में ध्यान दे, फिनिश है कि नहीं जी? अम्मी जी हेलो हेलो। हाँ जी बोल, म त हिन्दी आउँदैन हेर मलाई त्यति। दाजु बोल्नु न बोल्नु, तपाईँ बोल्नु भएको छ, वालेकुम अस्सलाम। ए हाम्रो यहाँ कमान्डो आयो नि, हामीले आफ्नो होइन सबसे पहिले त हाम्रो त हाम्रो पिछे पर्नेवाला आदमी होइन, यो कुन सा किधर से आया हुआ है सब हामीलाई मालुम है।